स्वागत है आपका चैनल फिल्मी मेमोरीज में। आज के वीडियो में बॉलीवुड के फेमस प्रोड्यूसर, राइटर और डायरेक्टर एन चंद्रा, जिनका पूरा नाम नार्वेकर चंद्रशेखर है, इनके डायरेक्टिंग करियर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद हमारी कोशिश आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इनकी टॉप मूवीज़ में रही हैं प्रतिघात, नरसिम्हा, तेजाब और हमला। इनके डायरेक्शन बनने वाली सबसे पहली मूवी 1986 में आई थी अंकुश। इस मूवी में लीड कास्ट में नाना पाटेकर, राबिया खान, आशा लता मदन जैन थे। इस मूवी का बजट था 13 लाख रुपए। भारत में 95 लाख की दुनिया में 1,77,00,000 की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी को हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1987 में प्रतिघात। इसको एन चंद्रा जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें सुजाता मेहता, रोहिणी हत्तंगड़ी, नाना पाटेकर और चरणदास थे। इस मूवी का बजट 21 लाख था। भारत में इस मूवी ने 80 लाख की दुनिया में 1,56,00,000 की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी को हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1988 में तेजाब। इसका प्रोडक्शन डायरेक्शन दोनों एन चंद्रा जी ने किया था। इसमें अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, चंकी पांडे, अनुपम खेर, सुरेश ओबराय, किरण कुमार थे। इस मूवी का बजट था 3,25,00,000। भारत में 8 करोड़ की दुनिया में 16 करोड़ की कमाई की बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1991 नरसिम्हा। इसका प्रोडक्शन डायरेक्शन दोनों एन चंद्रा जी ने किया था। इसमें सनी देओल, डिंपल कपाड़िया, रवि हेल, उर्मिला मातोंडकर, ओमपुरी थे। इस मूवी का बजट था 2,60,00,000। भारत में 5,20,00,000 की दुनिया में 9 करोड़ की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1992 में हमला। इसको डायरेक्ट किया था एन चंद्रा जी ने। इसमें अनिल कपूर, धर्मेंद्र, मीनाक्षी शेषाद्री, अशोक कुमार, अनुपम खेर थे। इस मूवी का बजट था 1,50,00,000 रुपए। भारत में 2 करोड़ की दुनिया में 3,96,00,000 की कमाई के बॉक्स ऑफिस एवरेज साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1993 में युगांधर। इसको एन चंद्रा जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, संगीता बिजलानी, कबीर बेदी, गुलशन ग्रोवर, दिलीप ताहिल थे। इस मूवी का बजट था 1,10,00,000 रुपए। भारत में 1,60,00,000 की दुनिया में 3 करोड़ की कमाई की बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1994 में तेजस्विनी। इसको डायरेक्ट किया था एन चंद्रा जी ने। इसमें दीपक अरोड़ा, विजय शांति और चरणदास थे। इस मूवी का बजट था 1,90,00,000 रुपए। भारत में इस मूवी ने कमाई की 3,76,00,000 की दुनिया में 5,28,00,000 की कमाई की बॉक्स ऑफिस से में हिट रही। अगली मूवी आई थी 1996 में बेकाबू। इसको एन चंद्रा जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें संजय कपूर, ममता कुलकर्णी, प्रमोद माथो, शक्ति कपूर, अमरीश पुरी थे। इस मूवी का बजट था 3,25,00,000। भारत में 2,40,00,000 की दुनिया में 3,40,00,000 की कमाई की फ्लॉप रही। अगली मूवी आई थी 1998 में वजूद। इसका प्रोडक्शन डायरेक्शन एन चंद्रा जी ने किया था। इसमें लीड कास्ट में नाना पाटेकर, माधुरी दीक्षित, मुकुल देव, जॉनी लीवर थे। इस मूवी का बजट था 6 करोड़। भारत में 5,24,00,000 की दुनिया में 7,86,00,000 की कमाई की बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगली मूवी आई थी 2000 में शिकारी। इसको एन चंद्रा जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें लीड कास्ट में गोविंदा, करिश्मा कपूर, तब्बू, जॉनी लीवर, श्वेता मेनन थे। इस मूवी का बजट था 7,25,00,000। भारत में 4,95,00,000 की दुनिया में 7,60,00,000 की कमाई की फ्लॉप रही। अगली मूवी आई थी 2001 में स्टाइल। इसको एन चंद्रा जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें शर्मन जोशी, साहिल खान, रिया सेन थे। इस मूवी का बजट था 2,50,00,000। भारत में 5,36,00,000 की दुनिया में 8,84,00,000 की कमाई की समय हिट रही। अगली मूवी आई थी 2003 में एक्सक्यूज मी। इसको एन चंद्रा जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें शर्मन जोशी, सोनाली जोशी, साहिल खान थे। इस मूवी का बजट था 2,25,00,000। भारत में 1,71,00,000 की दुनिया में 2,59,00,000 की कमाई की डिजास्टर रही। अगली मूवी 2003 में आई थी कगार। इस मूवी को डायरेक्ट किया था एन चंद्रा जी ने। इसमें नंदिता दास थे। इस मूवी का बजट 1,75,00,000। भारत में 75,00,000 की दुनिया में 1,07,00,000 की कमाई की डिजास्टर रही। अगली मूवी 2009 में आई थी ये मेरा इंडिया। इसको एन चंद्रा जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें राजपाल यादव, इस्माइल सूरी, सारिका, अतुल कुलकर्णी थे। इस मूवी का बजट 3,50,00,000 था। भारत में इस मूवी ने 41,00,000 की दुनिया में 57,00,000 की कमाई की और डिजास्टर रही। और ये इनकी लास्ट मूवी था। इसके बाद 1983 मूवी आई थी वो सात दिन, 1984 में धर्म कानून, 1985 में मोहब्बत और 1986 में मेरा धर्म। इन चार मूवियों की इन्होंने एडिटिंग की थी। तो ये एन चंद्रा जी का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस था।
इनके डायरेक्शन में बनने वाली कौन सी मूवी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी आपकी फेवरेट मूवी रही, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और किस एक्टर या फिर एक्ट्रेस या फिर डायरेक्टर का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस आप देखना चाहते हैं, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और नए एक्टर या फिर डायरेक्टर्स का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस देखने के लिए हमारे दूसरे चैनल सिनेमा सेलिब्रिटीज़ को एक बार ज़रूर विजिट करें। लिंक चैनल।